नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। ऐसा लग रहा है कि इंडियन रेलवे धीरे धीरे करके कुछ ट्रेन्स के स्टॉपेजेस बढ़ा रहा है, या फिर बहुत दिन से जो डिमांडिंग स्टॉपेजेस हैं, एक्सटेंशन तो नहीं बोलेंगे, स्टॉपेजेस बढ़ा रहा है। दो दिन पहले मैंने कुछ ट्रेनों के स्टॉपेजेस आपको बताए थे, नए जो हुए थे, उमरिया है, चंदिया है, पाली है। आज फिर कुछ शहडोल और कटनी बिलासपुर के रूट में कुछ और ट्रेनों के स्टॉपेजेस नए दिए हैं। हो सकता है वो पहले भी रहे हों, फिर बंद कर दिए हों और अब वापस दे रहे हैं। अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनों के स्टॉपेजेस नहीं होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे लोगों को दिक्कतें आती हैं। अगर वहाँ पे स्टॉपेजेस मिल रहे हैं और एक्सप्रेस ट्रेन या फिर पैसेंजर ट्रेन कोई भी हो, पैसेंजर तो मान लीजिए रुकती है हर स्टॉप पे, लेकिन अगर एक्सप्रेस ट्रेन भी रुक रहे हों तो काफ़ी सुविधा होती है। हालांकि ये सारे जो नए स्टॉपेजेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीके से टेस्टिंग पर्पस पे हैं। कुछ दिन देखा जाएगा, अगर यहाँ से बराबर सवारी और आमदनी हुई तो ही इसको कंटिन्यू किया जाएगा, और वो अपने आप में सही भी है, बिकॉज लॉस में तो कब तक चलाएंगे। तो आइए मैं आपको बता दूं, नए जो स्टेशन्स स्टॉपेजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं इस रूट में, हालांकि पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ कटनी से बिलासपुर का रूट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। विशाखापट्टनम से अमृतसर जो ट्रेन चलती है, विशाखापट्टनम से अमृतसर आंध्र प्रदेश से पंजाब के लिए जो ट्रेन चलती है, वो बुढ़ार में स्टॉपेजेस मिला है, आना और जाना दोनों तरफ से। इंदौर बिलासपुर बहुत पुरानी ट्रेनों में से एक है, उसको घुटकू स्टेशन में स्टॉप मिला है। घुटकू स्टेशन में आपको बता दूं, बिलासपुर से 12-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन आता है, वो मिला हुआ है। उसके बाद भोपाल और बिलासपुर जो पैसेंजर ट्रेन है, उसको खोडरी करके एक स्टॉप है, ये भी बिलासपुर के आसपास है, वहाँ पे मिला हुआ है। और एक बड़ी ट्रेन जो कि जबलपुर से सत्रागाछी, यानी कि कोलकाता की कनेक्टिविटी है हावड़ा वगैरह की, उसको अनूपपुर में स्टॉपेजेस दिया हुआ है। टाइमिंग वगैरह आप अगर ट्रैवल करने वाले हो तो चेक कर लीजिएगा। ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्टॉपेजेस हैं, ये डिफरेंट चार ट्रेनों के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको भी ज़रूरत है तो इससे बहुत फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।